बिलाल ओके तो 7 तारीख को कितने एक्साइटेड हैं आप पलटन को देखिए यार जेपी दत्ता की फिल्म है तो ऑब्वियसली आप एक्साइटेड होते बिकॉज आपने बॉर्डर इतनी बार देखी होगी जितनी बार आपने कोई और फिल्म नहीं देखी होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग हियर इज फॉर गुरमीत गुरमीत इज वन ऑफ द नाइसेस्ट गाइज एंड ही इज इन अ जेपी दत्ता फिल्म एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि हाउ इज ही इन द फिल्म और दिस हर्षवर्धन हर्षवर्धन ऑल्सो ऑन द फिल्म इज अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन सो वेरी एक्साइटेड टू सी बोथ ऑफ देम ऑन द स्क्रीन राइट नाउ मैडम आप कितने एक्साइटेड हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई लव गुरमीत मैं इसे उसी के लिए आई हूं मुझे बहुत पसंद है वो तो मतलब जिद करके नहीं बोलते कि हम लोग को चूज करना था मित्रों में भी जाना था यहाँ पर भी जाना था लेकिन पहले इन्हें गुरमीत इज दिस बिग पर्सन दैट एवरीवन वांट्स टू मीट सो इट्स वेरी नाइस अभी वो आने कुछ ही टाइम में आने वाले हैं और जेपी दत्ता की कितनी बड़ी फैन हैं आप बहुत बहुत अच्छी लगती है उनकी फिल्म्स बॉर्डर सबको पसंद थी तो अच्छा एक बार बताइए बॉर्डर के अलावा और कौन सी फिल्म का नाम आपको मानते हैं जेपी दत्ता की बड़े पसंद है उनको कुछ भी बोलते हैं बहुत सारी फिल्म उन्होंने बनाई है उनकी लास्ट LOC थी LOC के बाद एक और फिल्म थी उनकी लेकिन LOC वॉज ऑल्सो वेरी गुड फिल्म उन्होंने उमराव जान का बहुत बहुत डिफरेंट वर्जन किया था आई वॉजेंट ह्यूज फैन ऑफ उमराव जान वर्जन बट आई लव ऑल हिज वॉर फिल्म आई थिंक कोई भी उनकी तरह की वॉर फिल्म नहीं बना पाता जितनी वो बनाते हैं बहुत अच्छा डायलॉगबाजी बड़ा मज़ा आता उनका देखने में प्लस इस फिल्म में वन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गर्ल इज़ ऑल्सो डेब्यूटिंग उसका नाम है दीपिका सैमसन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हर शी इज़ ऑपोजिट गुरमीत सो आई थिंक इट विल बी नाइस टू सी बोथ ऑफ देम ऑन स्क्रीन आपको हम ऐसे अपकमिंग फिल्मों में देखेंगे मुझे क्या करते हुए एक्टिंग जी नहीं मैं डायरेक्ट करूँगा और आपको ज़रूर मज़ा आएगा मेरी फिल्में देखने में तो अभी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ किस तरह की फिल्में डायरेक्ट करते हो हम आपको देखेंगे इन फ्यूचर यार वो आप जब आएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना अभी 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 बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता मज़ा तब आता है जब आप एक्चुअली में कुछ कर रहे हो और वो बाहर आता है टीज़र और अनाउंसमेंट्स तो बहुत मज़ा आता है राजू जी के साथ एक फोटो दे दो सर नीचे नीचे राजू भाई नीचे 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 और एक और कश्यप नीचे बस राजू भाई राजू जी पहचान में नहीं आ रहे लुक ही चेंज कर लिया लेफ्ट छोटी बढ़ा ली छोटी से लेफ्ट यू आर राइट सर या सामने मैडम जी गुरमीत भाई एकदम सामने मैम राइट में थैंक यू देविला जी से आज बात करेंगे कि देखिए आपने जी बिल्कुल ये सेकंड टाइम देखूंगी वो आज आप सेकंड टाइम तो आपको बताइए कि कैसी लगी लुक एक्टिंग एंड वर्दी के लुक में वर्दी के एक्टिंग में कैसी लगती है आई जस्ट लव्ड इट और इनफैक्ट मैं बहुत रोई बहुत ज़्यादा जबकि मुझे पता है ये एक्टिंग कर रहे हैं और पहली बार मुझे बहुत फख्र महसूस हुई गुरमीत की फिल्म देखकर तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो मैंने देखा है और बस कुछ खास लोगों ने देखा है आज अपने इर्द गिर्द जितने भी सारे लोग हैं सबको ला के दिखाया जाए सो दैट इज़ वाई दिस स्क्रीनिंग टुडे तो इफ आई मीन हमेशा हर एक फिल्म कभी एक एक्टर किसी ना किसी चीज़ के लिए करते हैं आई थिंक दिस ही हैज़ डन टू मेक अस ऑल प्राउड भाई मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहे हैं फिल्म को लेकर आपकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा जा रहा है वेल देखिए एक तो बहुत ही अपने आप को मैं एक्चुअली बहुत अभी प्राउड फील कर रहा हूँ बिकॉज देश के ऊपर एक फिल्म है फौज के ऊपर फिल्म है और मैं फौज से बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि फादर मेरे आर्मी में रहे हैं और
जेपी दत्ता की फिल्म है, वो बहुत अच्छे बड़े फिल्म मेकर हैं, उनके साथ काम करने को मौका मिला, यू नो, और जो आपने फिल्म का रिस्पांस देखा है, जो ऑडियंस है, जो सच्चे देशभक्त है, उनको बहुत पसंद आ रही है फिल्म, मुझे मैसेज आ रहे हैं और लोग रो के निकल रहे हैं. एक्चुअली मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में आती रहनी चाहिए. मसाला फिल्में तो सबको पसंद आती हैं, लेकिन देशभक्त की फिल्में मुझे लगता है सबको जानी चाहिए और सब जाके देखें. और जिन्होंने भी देखा है, जितनी भी हमारी जनता है, उनको बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छा रिस्पांस है मुझको लेके, सभी एक्टर्स को लेके. आई थिंक ये बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे लिए, एक ऐसी फिल्म है जो ज़िंदगी भर मैं याद रख सकता हूँ. सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा लद्दाख की अगर बात करें, कैसा एक्सपीरियंस? लद्दाख तो एक्चुअली बड़े ठंड में हमने शूट किया, बहुत मेहनत की, जैसे बताया फिल्म, हर फिल्म में हर कोई मेहनत करता है, लेकिन इस फिल्म में ज़्यादा मेहनत थी. यू नो, फौजी बन के उस माहौल में रहना, उस माहौल में शूट करना, फौजी भाइयों के साथ काम करना, ये अलग एक्सपीरियंस था. डिफिकल्ट था, लेकिन जब आप फौजी भाइयों के साथ काम करते हो तो सब कुछ आसान लगने लगता है. डिफरेंट लुक में है आप, लुक सेंटर रहेगा भाई, बीयर्ड एंड थोड़े से बड़े बड़े वाले. ये अपकमिंग कोई हमारा मान है कि फिल्मों का लुक है या क्या कुछ आप बताइए? वेल, देखिए इसके लिए आपको गेस करते रहना होगा कि नेक्स्ट फिल्म मैं क्या कर रहा हूँ. एंड श्योर जो भी कर रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, हटके अलग है. और मेरी यही कोशिश रहेगी कि एज एन एक्टर, लोगों ने हमेशा मुझे सिक्स पैक्स रोमांस करते हुए देखा है, लेकिन एज एन एक्टर मुझे लगता है यहाँ से शुरुआत हुई है. जेपी दत्ता की फिल्म जो पलटन है, उसमें लोगों ने एज एन एक्टर तारीफ की है, जो कि बहुत इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत खुशी है और मेहनत करने का मुझे एक जोश मिला है. और नेक्स्ट फिल्म जो भी होगी बहुत इंटरेस्टिंग है. लंबे बाल क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये सब ये आपको आपको गेस करना होगा. अभी मैं ज़्यादा ज़्यादा बोल नहीं सकता. एक्चुअली बाजीगर एक ऐसी फिल्म है, मुझे लगता है कि शाहरुख सर ने एक ऐसा काम किया है. वो पहले हीरो थे जो विलन भी थे, लेकिन हीरो भी विलन भी थे और हीरो भी थे. और क्या कमाल एक्टिंग की थी. आई थिंक उनके वहाँ तो पहुँच भी नहीं सकता मैं, लेकिन वो किरदार कमाल के किरदार, तो वो अगर मौका मिले तो ज़रूर करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता हूँ. बाजीगर एक ऐसी फिल्म है जिसमें शाहरुख का किरदार लास्ट में मर गया था, तो आई थिंक इसी से इंस्पायर्ड होकर जो भी फिल्म करते लास्ट में मर जाते हैं. एक्चुअली आप देखेंगे तो मैं सारी फिल्मों में मर गया हूँ. अभी तो घर वाले भी, एक तो मेरे घर वाले बहुत, एक्चुअली मेरे डैड आर्मी में थे, तो वो बहुत ही सब भी बहुत इमोशनल हो गए थे. मॉम तो रो रही थी और उन्होंने कहा कि अब कोई भी फिल्म होगा, तू अगर मरा तो मैं देखने नहीं जाऊँगी. नहीं, मैं बिल्कुल कोशिश भी नहीं कर सकता. शाहरुख सर कमाल है, वो गॉड हैं, वो उनके तो कोशिश, उनकी तरफ कोशिश करना भी नहीं चाहिए मुझे तो. गणपति आया है, कैसे क्या तैयारियां लेके आ रहे इस बार क्या? नहीं, इस बार गणपति हमने 5 साल का मन्नत मांगी थी, वो पूरा हो गया है, तो इस बार तो नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन हम इस बार मौका ये होगा कि सबके घर पे जाके गणपति जी के दर्शन करेंगे हम लोग. कहाँ कहाँ जाने वाले इस बार? सबके घर पे, जो 5 साल में जिनके घर नहीं जा पाए उन सबके घर जाने वाले हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.